करो जोर दी खाली लुईया प्रभु दे बच्चे है ना पा तुहानू पता जदों ही खुश होंदे ते शैतान शर्मिंदा होंदा वा पहला प्लैन जदों साडे मूंह ते दस हुंदी ना ते शैतान ताड़ियां मार मार के करदा आ टेंशन च पाता कदी भी प्रॉब्लम आवे टेंशन नहीं लैनी आओ सब जन अपनी अखां नूं बंद करांगे प्रभु यीशु मसीह तुहाडा धन्यवाद तारीफ हो प्रभु जी आदे सुपर डुपर संडे और ऑयल मीटिंग दे वास्ते तुहाडा धन्यवाद करदे प्रभु परमेश्वर तुहाडी प्रेजेंस दे वास्ते धन्यवाद करदे तुहाडे आउण लई शुक्र करदे मेरे परमेश्वर तुहाडी महिमा आकाशां तों उपर मेरे सामर्थी राइट नो परमेश्वर धन्यवाद करदे सारी महिमा तुहानूं देने प्रभु इस वचन का खुलना साडे मन दी अखां नूं रोशन करे मेरे परमेश्वर सारी महिमा तुहानूं देने यीशु के नाम में आमीन हालेलुया सब रेडी चलो किन्ने लोग बाइबल डायरी लेके अपने हाथ खड़े करो बाइबल डायरी दिखाओ मैनू बाइबल और डायरी चक के चुकनी चुकनी डायरी और बाइबल बाकी किन्नी बार वेलो मैं बोल बोल के अट गया ये सुनी जाते हैं बोली तुसी क्यों शैतान नू कहंदे जे मेरे तो उपर अटैक करे तुसीं प्रभु नूं नहीं वेख्या जे तुसीं अपने दात की गल नहीं मानते तो तुसीं प्रभु की भी की है सच्चाई आ आओ मैं तुहाडे लई एक वचन पढ़ांगा जल्दी जल्दी मैथियो उहदा 6 उहदी 19 आयत मैं पढ़ांगा हुण ध्यान दे के सुनना सारिआं ने लिख्या अपने लिए धरती उत्ते धन ना जोड़ जिथे कीड़ा अते जंगाल विगाड़दा है जिथे चोर सन मारदा है जिथे चोर सन मारदा अते चराउंदा है की लिखा किन्ने लोगों ने समझाइए हालेलुया मेरे वाल ध्यान दो हुण बैठना उठना घटा दो आराम नाल बैठ जाओ हाँ हाँ तुसी जाना तो आराम नाल वेखो बाइबल च लिखा प्रभु कहिंदा अपने लिए धरती उत्ते धन ना जोड़ जिथे कीड़ा लगता जिथे जंगाल विगाड़ता जिथे चोर सन मारदा अते चराउंदा है हालेलुया ये किहड़ा धन है इधर कौन कह रहा प्रभु यसू कह रहा किन्हां नूं अपने चेलियां नूं हुण चेले किन्ने इस जगह दे जिहड़े बैठे है चेले अपने हत्थ खड़े करो चेले ओके सारे आपां चेले हाँ ठीक है बाइबल दे विच लिखिआ पर स्वर्ग विच अपने लिए धन जोड़ जिथे ना कीड़ा ना जंगाल विगाड़ता अते ना चोर सन मारदा अते ना ही चराउंदा सब बोले आमीन अगे की लिखता आंदा क्योंकि जिथे तेरा धन उत्ते ही तेरा हुण किन्ने लोगों का धन मन कित्थे आ हुण इह जगह ते परमेश्वर ने वेखो सानू की दस्या कि अपने लिए धरती ते धन की कर तुसी हुण कहोगे हुण पैसा ना जोड़िए पैसा जोड़न का अलग काम आ क्योंकि पैसे की प्रभु ने भी लोड़ पई आप सारे जानते हैं पर बाइबल च लिखा तेरी भगती का धन जिहड़ा तेरे नाल की करना है पैसा प्रभु तैनू क्यों दिंदा क्यों तुहाडियां जरूरतां नू की करे पैसा तुहानू स्वर्ग च नहीं खड़ सकता पैसे का काम तुहाडियां जरूरतां तुहाडी जरूरत पूरी नहीं मान लो तुहाडे कोल बच्चे आ तुहाडे बच्चे आ खाना पीना पहनना कित्थों लैणा वह पैसे तो चलेगा पर खुदा कहिंदा कल्ला इहदे वल ना ध्यान दे हुण किन्ने भैन भरावे जिहड़े सब तो ज़्यादा धन वल ध्यान देंदे जोड़न संडे भी छुट्टी नहीं करते उन्हां कोल ऐतवार भी टाइम नहीं हैगा प्रभु दे घर च आउंदा तां ही प्रभु ने कहा धरती उत्ते धन ना जोड़ जिथे कीड़ा की करदा जिथे कीड़ा अते जंगाल विगाड़दा अते चोर सन मारदा ते की है हुण किहड़ा धन जोड़ना इधर सुनो हुण असीं भगती दा धन जोड़ांगे प्रेयर करांगे फास्टिंग करांगे चर्च आवांगे बाइबल पढ़ांगे तो समझ लो ये धन आ जिहड़ा तुहाडे नाल की करेगा आपां भगती दा धन जोड़ना है सारे असीं भी आए तुसीं भी आए जी इस करके अज का मैसेज यही तुहानूं सिखाउंदा हुण इहदी मैं लास्ट आयत पढ़ांगा लिखिआ कोई मनुख दो मालकां दी सेवा नहीं कर सकदा क्यों जो एक नाल वैर रखे ते दूजे नाल प्रीत रखे जां एक नाल मिलिआ रहे जां दूजे नूं तुच्छ जाणे तुसीं परमेश्वर ते माया दोवां दी सेवा कर किन्ने लोकां नूं समझाई तारीफ कित्थे आ सोच के ताली मारनी कोता मारदी खुदा ने आख्या तुसीं एक नौकर जिहड़ा दो मालकां दी सेवा की है हालेलुया इस करके परमेश्वर ने आख्या जिथे तेरा धन तो उत्थे तेरा की है मन कहन दा मतलब परमेश्वर इत्थे तुहानू दस रहा कि धरती ते धन ना जोड़ मेरे कहन दा मतलब उन्हां भैन भरावां नू कि जे तू कल्ला धन संभाल संभाल के रख रहा तो परमेश्वर दे घर नहीं दे रहा तो खुदा ने तेनू कहता ही कि तेरे कीड़ा भी लगेगा चंगाल भी विगाड़ेगा तो चोर काका तेनू सन भी की करेगा मारेगा खुदा कड़े लोगों को ब्लैस्ड करता
जिहड़ा बंदा पहल कढ़ के अपने परमेश्वर दे घर च लै के आउंदा सब तो पहले खुदा नूं प्यार करदा। बाइबल दे विच लिखिआ नहीमिया, जदों आपां नहीमिया दी इक वचन नूं खोलदे पढ़दे हां उत्थे लिखिआ कि रागी ढाडी जिहड़े सी ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਨ ਤੇਲ ਜੋ ਮੈਂ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇਣੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਵਿਸ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਲਈਏ ਜੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਬੀਜਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡਾ ਟੈਂਟ ਫਟਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਫਟਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ? ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੋੜਦਾ ਅਤੇ ਕੀੜਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੰਗਾਲ ਵੀ ਵਿਗਾੜੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਰ ਸੰਨ ਵੀ ਮਾਰੇਗਾ। ਤੋ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੇ। ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਅਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਹਿਮੀਆ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹਿਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਨਹਿਮੀਆ ਨਹਿਮੀਆ ਉਹਦਾ 13 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ ਨੈਕਸਟ ਮੇਰਾ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮੈਂ 5 ਨੰਬਰ ਐਤ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਣ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਲੁਬਾਨ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਅੰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਬਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈਆਂ ਭੇਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਭ ਬੋਲੇ ਆਮੀਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਆ? ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਠੜੀ ਬਣਾਈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਲੁਬਾਨ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਅੰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਸਵੰਧ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿੰਨਾ ਲਈ ਸੀ ਇਹ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ! ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਲਈ ਸੀ? ਉਹ ਭਾਈ ਚੁੰਨੂ ਮੁੰਨੂ, ਕਿੰਨਾ ਲਈ ਸੀ ਇਹ? ਹੈਂ? ਵਰਸ਼ਿਪਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਜਕਾਂ ਲਈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਲੈਸ ਹੋਏਗਾ? ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰਨ ਡੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰਨ ਡੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੱਤੀ 7 ਦੀ 21 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ! ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੁਬਾਨ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਲਈ ਸੀ? ਇਹ ਲੇਵੀ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਸਟਰ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋਇਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਹਾਲੀਓ ਸ਼ਰਮ ਖਾਓ, ਬਾਗਵਾਨ ਨੂੰ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰੋ। ਆਂਦਾ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ ਜਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਅੱਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲਈ ਸੀ? ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਦੱਸੋ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ? ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ, ਜੇ ਤੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ, ਅਬਰਾਹਮ ਕੋ ਨੇਮ ਹੀ ਟੁੱਟਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਟੁੱਟਾ ਸੀ? ਚਲੋ ਦੱਸੋ, ਹਵਾ ਨੇ ਨੇਮ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ?
हावा ने नियम तोड़िया, जो तुम प्रभु का भी दसवा हिस्सा खा जाते तो डर नहीं अंदर लगता, दिल च डर नहीं लगता भी प्रभु तेरा भी कपड़ कपड़ करके आप कर रहे हैं। हर एक बंदे दे वास्ते वादा, तुम 1000 रुपया कमाते 100 रुपया जीजस का कट के रखो, आटा प्या के लाते सब तो पहले तो कट के परमेश्वर के घर च रखो, सौदा लैके आते तो कट के परमेश्वर दो। मैं नहीं मंगता, मैं कोई लोड़ नहीं, मैं क्या लेना ताडे को। तुसी परमेश्वर का वचन पढ़ो, वो मुताबिक दो, तो जिते जीज़ा तुम रोकिया उतों ताकि ब्लॉकेज होनी स्टार्ट हो जानी जी, क्योंकि अब साडे भैन भरा बाइबल के बारे नहीं जानते, कोई इन्हों समझ नहीं हैगी वचन की कहता, यह पास्टर देना वा, ये समझते पास्टर देना ना नहीं। हुण ये जगह पर तुसी पढ़िया, तुहानू कोई हैगा पिछे पढ़न वाला, पढ़ियो जरा इस आयत यदि पांच आयत फिर एक रिपीट करांगे, आप ध्यान दे के सुनो। उसदे लई एक वड्डी कोठरी बनाई जिथे अगे उन्हां दे मैदे दी पेट अते लुबान अते भांडे अते अन्न अते नवी मैं अते तेल दे दसवंद जो हुक्म दे अनुसार लेवियां अते रागियां अते दरबाना दे हिस्से दियां सन। किन्हां दे सन? हालेलुया। जदों भी अपने घर कुछ लैणा, सब तो पहली भेट खुदा दे घर च कढ़ के लियो। कैन ते हैबल की करदा सी, आ बच्चे कंट्रोल करो जिन्हें भी आ, नहीं तो एक थप्पड़ मूँह तो ला दो जे नहीं बेंदे दे, क्योंकि अगे तो लोगों भैन भरावान बेचारे समझ नहीं आगे, अगे तो इन्हों समझ नहीं लगती। अपने बच्चों का कंट्रोल आप कराया करो, अगे लोगों समझ नहीं, ये बेचारे अगे उदा बुद्धू बन के बैठे, कोई समझ नहीं हैगी इन्हों, तो गाड़ी की करे बेचारे, पता नहीं कितने देना किनू देना कितने रखना कितने टकना की करना कि पता ही नहीं। तो मैं इतने कदली सदा, आप एक दूजे का मूँह थोड़ी वेखन आने भी एक दूजे का मूँह वेख के ही फिर चल जाना, असं सीखने आने तो सीख के ही आप करना, तो अगले लोगों को सिखाना भी भैन जी तुम भी करो वचन। हुण वेखो ये ब्रदर ने गवाही दी, गवाही जो की लिखा कि जो सानू संतान ने बोलिया असं बीज देना शुरू किया, वो अपनी पेंशन चो बीज देता सी। मैं हुण कल्ले वचन की बीज की गल नहीं करता, हर हफ्ते मैनू पैसे की नहीं गल, वो मैं तुहानू चितारदा, मतलब मैं तुहानू चेते करवाउणा भी भैन भरा अलर्ट रहन, उन्होंने पता आए भी मेरी ड्यूटी आ, ये मेरा काम है, मैं करना, मैं फॉलो करना। हुण इस वचन बड़े ध्यान दे के आप समझना, मतलब कि जिहड़ा पहले नंबर से मैदे की पेट, फिर लुबान, फिर भांडे अन्न अते नवी मैं ते तेल का दसवंद हुक्म दे अनुसार, कि दे अनुसार, हुक्म दे अनुसार, हुक्म दे अनुसार अते रागियां ਅਤੇ ਰਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਬਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਭ ਬੋਲੇ ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਕਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਕਲੀਸਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਲਬਾਨ ਭਾਂਡੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਆ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਬਾਕੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਰਮਨ ਦੇਣੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਸੌਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ, ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਡਿਊਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਸਮਝ ਆਈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਜੀਜੋ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਈ, ਅਮਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਧਰ, ਕੰਨ ਕੱਢਿਆ, ਤਾਂ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਨੋ, ਨੈਵਰ, ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਉੱਤਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਅਗੂਏ ਦਾ। ਅਗੂਏ ਨੇ ਕਹਿਣਾ 12 ਤੋਂ 2 ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ, ਰੋਜੇ ਰੱਖ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰ, ਸੰਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਣ ਕੇ ਦਰੀ ਵਿਛਾ, ਆਹ ਕਰ ਜੇ ਕਰ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, 2 ਜਣੇ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਬੀਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਬੀਲੇ
सेवा कर दी। चलो जिन्हों पता अपना हाथ खड़ा करो, एक हाथ खड़ा आ, होर कोई? बस फिर जो तो वचन नहीं अंदर है तो भेट कहने कितों लैके आनी। हुण कहन ते हैबल बारे किन्ने लोग जानते हैं? हालेलुया, कहन ते हैबल बारे किन्ने लोग जानते? की करता सी कहन ते हैबल? हैबल दसा पहली पेट कट के जिहड़ा बच्चा पैलांदा सी ते प्रभु दे कोल लैके की करता सी? ते हैबल की लैंदा सी? कहन, कहन छटकन लैके आउंदा सी, रहिंद खूंद। पहले सारा वर्त लैना, जे कोई माड़ी मोटी बूंदी हुण होगी कोई इदां दी, हुण आ चर्च च की कर रही है? आ पास्टर नूं सड़दा बलदा उहदे सिर च की कर रही है? सड़दा बलदा मतलब कि सड़दा बंदा, सड़दा बलदा जो बंदा वह देना, सड़दा बलदा नहीं लेना। जो साडा 10% बनता ही वह लेना, कोई 20% वाले भी आ, जो 20% देंदे प्रभु 40% देने की सामर्थ रखता। तुम 10% देंदे 20% लाओगे, 40 नहीं मिलेगा ना 100 ही मिलेगा। जो बोना उ की करना, कट्टना। सड़दा बलदा नहीं। मैं तो एक नाम लिखे सी डायरी से कि जिन्हें भैन भरा सौदा लैके आते सारे अपना सौदा पहुँचा, पर बड़े लोगों ने बंद करता कि हूँ नहीं। थोड़ा चिर चलते हैं, थोड़ा चिर वो खूंडी नया चलते हैं, बाद फिर रुक जाते हैं। जिहड़ा तुसी नेम प्रभु ना कर लिया ना, हुण उहनू करदे की है? इधर करदे की है? अज लोग पता प्रेयर कितना करते हैं? बच्चे की प्रेयर करते, थोड़े दिन करते, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु बच्चा दे दे बच्चा दे दे। एक दो बार मिस पीरियड हो गए ना, उन्हें वो दुआई करनी की कर देनी, छोड़ो जी बच्चा की तो मिलना की, इदा थोड़ा कि चलना, सौदा देना, दो चार दिता, पांच बार दिता, छवी बार कहना छोड़ो, रहन दो छोड़ो। परमेश्वर के वचन च लिखा, जब तू मेरे घर में आना तो पैर चौकसी ना तर, आंता जा रही तू सुखना सुकी आ, उन्होंने देने में ढिल की है लिखा कि नहीं? तुसी चर्च आउंदे भी एक तुहाडी सुखना, तुसी बाइबल पढ़ते भी एक सुखना, तुसी प्रेयर करते भी एक सुखना, रोज़ का एक नियम आ। किन्ने लोगों को समझ आ रही है? ये नियम आ। चर्च में आना भी नियम आ, प्रेयर करनी भी एक नियम आ, दास नूं घर बुलाउणा भी नियम आ। किन्ने लोगों को पता है? बाइबल च लिखा अब्राहम ने जदों परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर नूं और उहदे नाल दो स्वर्ग दूत जदों घर बुलाया, उहनूं किड्डी वड्डी खदाने आशीष दित्ती सी पता? उन्हें कहा, हे प्रभु ओ हे गुरु ओ मेरे को चले ना जाना, तुसी अपने पैर तो मैं ताडे लई थोड़ा जिहा खाणा लै के आवां। किन्ने लोगों को पता ये की होम, होम आशीष घर बुला के रोटी खवाई? किन्नी बार मैं दस्या, किन्नी बार बोलदा, इधर सुन दे इधर कढ़ दे, इधर सुन दे इधर कढ़ दे, तो की हो रहा फिर? तुसी अंबल करोगे, इत अंबलां ने होने ने, किसी ने तेरी अंबलां लै बचना। बाइबल च लिखा अब्राहम कला नेचा तो धर्मी नहीं बनया, वो अमलों के नाल नेचा की हुई, संपूर्ण हुई। हुण एक बंदा इत्थे शराब पींदा, कहिंदा प्रभु मैं तेरे ते विश्वास करदा, सुनो। तंबाकू खाना, प्रभु मैं तेरे ते विश्वास करदा। परमेश्वर कहिंदा कला विश्वास नहीं, पहलो अपने अमल की कर, अमल दिखा। तू कला विश्वास ही करी जाएगा, विश्वास से भूत भी करते, बाइबल च लिखा डरदे ते कंबदे आ। अमल कहना मतलब कि जिहड़ी चीज़ इत्थे बोलती, हुण तुहाडे अंदर एक अमल होना चाहिए कि नहीं परमेश्वर मैं इस रस्ते ते नहीं जाना। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अमलाबाद जो नेचा की है मुर्दा, लिखा ही प्रभु मेरे को चले ना जाना, तुम पैर तो रोक के टपेटो, मैं थोड़ा जहा खाना तुहाडे लई लै के की करा। पहला परपस बरकत का, पहला परपस उन्हें घर बुलाया, उन्होंने पैर धोते, फिर दसा 36 माप आटा सहरा ने जोड़ा गुन्या। अचक की भैन जिन्ना दे दो ना 36 मन, तो ना ही धोन भरने ही टैग हो जाएगा, तो ना ही डिग जू। पर उस समय दिखा 90 साल की उतरे एक मिनट च उन्हें हाथ ना मरोड़ के की कर दिता, रख दिता। ताकत वाली भैन ही वो। उस तो बाद बाइबल च लिखा उन्हें क्या हूँ, इन्होंने वास्ते दही दुध एक पलिया होया वछा कट के लिया। समझ आई कि नहीं आई? कई लोग ये गल नहीं बोलते, बोल बोल यार यूट्यूब वाले की कहेंगे, पर बाइबल नूं कितना ही कट करांगे, जो रियल लिखा वही बोलना। फिर उन्हें वेखो किन्नी रीच की, किदा रिस्पैक्ट की, लिखा जो खाना खवाउण गया, जो रुख थले खाना खा रहे, अब्राहम खलोता, कहता कोई दस सकता मैनू किदा खलोता है अब्राहम? दसो इन्हां नूं सारे नूं किदा अब्राहम खलोता है? आ देखो सारे नज़र आ रहा, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਾਤੇ ਲਾਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਐਂ ਕਰਕੇ, ਨਾਲੇ ਐਂ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਪੈਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਰਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਅਗਵੇ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਈ ਹੈ?
ਅਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਅੱਜ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਤਨੀ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਫੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੰਤਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਵੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਹੀ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾਜ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜੇ ਮੈਰੀਕਲ ਵੇਂਦੇ, ਕੀਲਿੰਗ ਵੇਂਦੇ, ਮੂਰਤੀ ਚਿੰਦਾ ਦੇਵੇਂਦੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਘਰ 'ਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਤੌਲੀਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਰੱਖੋ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਜੇ ਨਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਭੈਂਡੇ ਹੋ ਗਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੌਲੀਆ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਸਾਬਣ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜੇ ਖਤਾ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਜੂਸ ਕੀਤਾ ਭਾਂਡਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓਗੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਲਿਓਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4-10 ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੀਚ ਕਰੋਗੇ, ਯਸੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਾਣਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਤਾਲੀਆਂ ਯਸੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੱਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸੈਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਪੜਦੇ ਦੁੱਲੇ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹਾਰ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਲਏਗੀ ਨਹੀਂ? ਤੋ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਭੈਣ ਸਾਡੀ? ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੇ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ, ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਖੁਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਆਈ ਆ? ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲਈ ਨਾ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਾਜੀ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਆਪਾਂ? ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ, ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਾ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਖਾਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ, ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਿ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਰੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ? ਇਹ ਸਹੀ 'ਚ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪਾਸਟਰ ਕਹੇਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਅਮੀਨ। ਕਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਆ? ਦੂਸਰਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਅਲੱਗ ਰੱਖੋ, ਤੌਲੀਆ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਰੱਖ ਲੱਗੋ, ਸਾਬਣ ਅਲੱਗ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਭੈਣੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਝ ਨਾਲ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੀਝ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਏ। ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਅਮੀਨ। ਤੋ ਦੂਸਰਾ, ਨੈਕਸਟ, ਜਦੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਲਿਖੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੰਨੀ ਤੰਨੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਸੁਣੋ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੰਨੀ ਤੰਨੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ, ਸੁਨੂਮਾ ਬੀਵੀ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਲੰਘਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਾਲੇ ਲੂਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਪਛਾਣੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਨ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਹਾਲੇ ਲੂਈ ਆ। ਤੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈਏ। ਹਾਲੇ ਲੂਈ ਆ। ਕੀ ਬਣਾਈਏ? ਚੁਬਾਰਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵੇ ਇਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਇਹ ਸੌਵੇਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੇ, ਇਹ ਰੋਜੇ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹੀਦਾ ਅਲੱਗ ਰੂਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਯਸੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਰ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਰੱਖੀ,
टेबल तो एक एक मान लो कि दवाखी जिदा मान लो कि जिद तू प्रदीवट रख दे पुराने नेम च की होंगी आई लंपा लैंप रख ली नंबर एक चार पाई एक टेबल तो एक दवाकी और एक चौथी चीज की पता किसे नू कितों पता होना पास्टर जी जो क्रॉसओवर नाइट या नवा साल लंघे तो सारा कुछ भुल गए इन्नी लगन ठंडी होगी लोगों की शैतान पता किन्ना खुश शैतान का इदा ही रहो बस तुम बुद्धू बने रहो तो मैं रमाना तेरे घर च कभी ये चपेड़ा मार देना वा कभी ये मार दाँ कि टाइफाइड की चपेट मार दिता किन एलर्जी की चपेट मार जाता किन पेट खराब की चपेट मार दिता किन कुछ करता कूच तेई पच्ची च लिखा तुसी यहावा अपने प्रभु की बंदगी करनी बंदगी करने का फायदा कि घाटा वा आता मैं तेरी रोटी पानी च बरकतूँ तेरे चो सारिया बीमारियां की कर दाँगा तालियां इस करके मेरे जीजो मैं तुम्हें बार बार यही कहना खुदा दे वचन ना बने रहना हुण किन्ने लोगों को पता लगा यह आशीष किन्ना दी ही परमेश्वर दे दासां दी इहदी आठ आयत नूं जल्दी जल्दी पढ़ो बेटा हाँ हाँ तां इह मैनूं बहुत बुरा लगा प्रभु दा दास नहमिया कहिंदा कि मैनूं बहुत बुरा लगा हाँ जी इस लई मैं टोबिया दा सारा लगा तुका उस कोठरी विचों बाहर सुटवा दिता हुण टोबी दा जिहड़ा जाजक सी हुण इक मेरी ध्यान दे के गल सुनो सुनो मान लो मैं तो होर कितने मीटिंग करन चल जा होर कितने मेरी मतलब कि जिदा कहिंदे ना बदली हो जांदी रिटायरमेंट हो जांदा वो रिटायरमेंट नहीं वो राजे का प्यूआ सी उन्हें यरूशलम चो जाके वो राजे को चल गया तो मगरों चर्च की उन्होंने बुरी हाल कर दी कोई वीडियो नहीं चैक की चजना कोई साज वाल नहीं ध्यान ना चक भी बस माड़ा मोटा खड़का जिदा का चलता चलन दो इस बंदे ने जिहड़ा टोपी जां जाजक सी ना इन्हें प्रभु के कामां च बड़ी लापरवाही की वेखो हुण अगे नहमिया ने किन्ना झिड़किया इस बंदे नूं लिखिया दा सारा लुका तुका चुक के तो उन्हें कोठड़ी तो सारा की मारिया बार यह भी जाजक सी पर यह बेपरवाह जाजक सी हुण वेखो मैं ये बंदे भी सारा काम करते मैं सवेरे क्यों आण के आप कैमरा सैट किया सारा क्योंकि दो तीन हफ्ते हो गए संडे की वीडियो पैंदी नहीं आ अज मैं उधर कैंसल किया मैं अज उधर होर किनू भेजो इधर मैं सारा चैक करना मेरा तो इधर का माहौल सारा ठंडा ही पैंदा जान दिया इस करके मैं इधर भी ध्यान रखना उधर भी रखना क्योंकि वेखो मेरे तो जिम्मेवारी जिदा नहमिया जिम्मेवारी बाइबल च लिखा नहमिया ने रामगा की कुर्सी छड़ के तो उन्हें अपने प्रभु के कामों करना की किया अज रामगा की कुर्सी छड़नी पैनी जे तुम बच्चे लेने जे घर लेना जे ब्लैसिंग लैनी आ तो तुम्हें राम छड़ना पैना जे सौंदे खाते उन्होंने गल नहीं मैं करता किराया खर्चना पैना नाइट भी होना पैना डे भी होना पैना तो हुक्म मनना पैना फिर बच्चे लोरियां दोगे इदा करके खेडोगे लो बच्चे बिजनेस ब्लैस होएगा हर चीज़ ब्लैस होएगी जो बचन दोबारा मैनू समझोगे भी साडा दास आ हाँ जी अगे फिर मेरे अख नाल ओह कोठड़ियां साफ कीतियां गईयां नहमिया कहिंदा फिर मेरी अख दे नाल ओह कोठड़ियां साफ कीतियां गईयां अते मैं परमेश्वर दे भवन दे भांडे अते मैदे दी पेट अते लुबान नू मोड़ उत्थे रख्या हुण उत्थों दस्सा कि मैदे दी पेट भी चुकी गई आ लुबान भी चुकिया गया वा है मैदे की भेट लुबान तो परमेश्वर के भांडे चर्च चो की कर दिते क्यों क्योंकि लापरवाह हो गए तो नहमिया ने आके फिर शांटी फड़ी तो सीधे किते भी इदा नहीं करो प्रभु यीशु ने शांटा फड़ा सी ना चर्च के विच जाके किन्ने लोगों ने पता परमेश्वर ने की बोलिया कि तुसीं मेरे पिता के घर डाकुआं की खो की कर दिता उत्थे लोग कबूतर वेचन दे उत्थे लोग बिजनेस करन दे है परमेश्वर का घर आ इहनू पूरे चैप्टर पढ़ियो तुहानू पता लग जू भी जदों लोग शब्द इतने साढ़े आने को फुल लाँदा ना दूजिया बेलपूरिया तो वेखो बेलपूरी वाले भी नेरी लिया नहमिया ने लिखा जो शब्द का दिन आता सी ना नहमिया दोनों साइडा का गेट बंद कर देता सी उधरों भी बंद करता उधरों भी कोई भी बंदा शब्द के दिन में आने के कोई व्यापार किए ना करे तो लिखे जिहड़े अन्य जातियों में मैरिज करा देंदे सी मतलब कि जिहड़े अनूमी लोग सी जां मवाबी सी जिहड़े उन्हां विच कुड़ी जां मुंडा व्याहुंदे लिखे उन्होंने वाल फट फट के उन्होंने मूँह ते कर कर चपेड़ा की करता सी समझ आई कि नहीं आई वो शब्द के दिन किनू चर्च च नहीं वड़न दिता मान लो इधर वचन चलने उधरों बेलपुरी के डिया कर भी लोग उधर ध्यान देन यहोजा काम मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लियो मैं तो कहना मेरे जीजो तु सही मिनिस्ट्री नाल जुड़े जे जी सब तो ज़्यादा बाइबल ना प्यार की है तो जिते वह वचन वो ही हो गई है हाँ हूँ इन गलों तुम सीखिया कि नहमिया ने क्यों उन्होंने कुटिया क्यों उन्होंने वो लुका तुका जो भी सारा कोठड़ी जो बाहर कट के गया एक पास्टर सी नहमिया भी खुदा का बंदा सी और दूजा बंदा सेवक सी जिन्हें लापरवाही के नाल प्रभु के घर च कोई परवाह नहीं की थी घर आई कोई गल नहीं आई कोई गल नहीं
पर मैनू पता कि मैं हर गल च अलर्ट होकर रहना किन्ने लोग सुनते हैं दान विच प्रेयर विच फास्टिंग विच अगवाइयां विच हर काम नू मैं वफादारी नाल किए इतों पता लगता कि बंदा प्रभु के कामों का बोझ की करता है रखता ना तो तुसीं भी इदां दे बनो तो तुसीं दुगना तिगना हर चीज़ तुहानूं कहण दी लोड़ नहीं प्रभु अगर प्रभु ने कहना मेरी ड्यूटी कर तेरे कहने तो बिना हो चुका चल पुत ड्यूटी वाल ध्यान दे मेरी गवाहियां वाल ध्यान दे मेरे लोगों नू बचा मैनू खुदा ने कहा मैं तैनू पाप और पुन दे वास्ते चुनिया कि लोगों नू खोल के दसिया पाप ही आ सही हो हुण इन्हां दा काम मनना आमीन अगे फिर मैनू पता लगा कि लेवियां दे हिस्से उन्हां नू नहीं दिते गए आंदा फिर मैनू पता लगा कि लेवियां दे हिस्से उन्हां नू नहीं दिते गए इस लई काम करन वाले लेवी अते रागी आपो अपने खेतां नू नठ गए हन हुण मैनू इत्थे दसो कि जे असीं प्रभु दे घर च देवांगे नहीं तां साडा टेंट फट गया तां ओह कित्थों आवेगा साडियां दरियां फट गईआं कित्थों आणगीआं असीं मान लो ऑयल ऑयल ही लिया के तां ऑयल मीटिंग ही करनी आ तां जे साडे कोल देण नू नहीं हैगा तां ऑयल आपां कित्थों लैवांगे मेरा मतबल इतने लिखा जिन्हें अमीर लोग से जेडे रहीस लोग से नहमिया कहता मैं उन्होंने झगड़ा किया कि परमेश्वर का भवन क्यों त्यागया जाता है मतबल छड़िया जाता है जे तुसी प्रभु के घर नूं दोगे नहीं तो लोग हुण मैं की लैणा वा जे मेरा इतों किराया नहीं पूरा होगा मेरा मेरी गड्डी च तेल ही नहीं पऊ तो मैं कहना यार इतने होर किनू भेज दो कोई गल नहीं यार वेखी जाएगी आप होर इलाका की करिए समझ आ रही कि नहीं आ रही इस करके हर बंदे नूं बोझ आ कि मैं ताइद कढ़ के देना मैं दसवां हिस्सा देना मैं पास्टर नूं घर बुला के रोटी खवानी मैं उन्हां नूं घर बुला के मीटिंग करवानी आ ते ताडी ना समझ होण दा करके शैतान तुहानूं टिब्बियां मार रहा टिब्बियां तुहानूं पता ही नहीं कि दास नूं घर बुलाउण दा की मतलब जदों साडा दास साडे घर सानूं किन्नी ब्लैसिंग परमेश्वर दिंदा समझ आ रही कि नहीं आ रही जे आपां प्रभु दे दास नूं सुणदे तुहानूं हर एक वचन चों जदों लिखत पढ़ के सुनाई जांदी आ फिर तो कोई शक नहीं ना रह गया मैं मूँह जबानी भी प्रचार कर सकता पर मैं लिखित क्यों पढ़ा कि सारे भैन भरावों पता लग जाए कि बैबल के विचों बोल रहा बैबल चो बाहर नहीं चल रहा ये इस करके पढ़ा इदा बोल सकता आ बैबल बंद कर दूँ इदा सारिया स्टोरियाँ इदा सुना दूँ क्योंकि वेखो जीजो परमेश्वर के दास साडे वड्डे संत चल गए एक गल कहते कि पास्टर ओवा जां तां तू इहनूं बैबल पढ़ता वेखोगे जां उहनूं प्रेयर च वेखोगे वह दास रब का जां तो बैबल पढ़न दे आऊ जां प्रेयर च होगा इतों समझ लो भी यही परमेश्वर का दास आ और यो ही आ समझ आई हुण जिन्ने मीर सी लिखा मैं उन्होंने झगड़ा किया तो लिखा तद मैं रहीसा नाल झगड़ के कि परमेश्वर का भवन क्यों त्यागया मतलब क्यों छड़िया जाता अते उन्हां नू इकट्ठे करके उन्हां दी थां उत्ते उन्हां नू खड़े किया साज बजाउण वाले बेचारे झोना लाउण डे जा गए हैं ते वर्शिप करने वाले बेचारे कणक वढ़न डे आ क्यों क्योंकि चर्च में कोई दान दसवंद ही नहीं देता कोई ताइद ही नहीं देता हुण मैं भरा की करा तुसीं सियाणे जे ना इस करके मेरे भैन भरा वेखो आप जिहड़ी गराई वो लागे वो तो तुहानूं पता मेंटरशिप वो तो सारे लिए एक बंदे लिए थोड़ी आ साडी सारे दी रिस्पोंसिबिलिटी आ जे अज असीं मान लो परमेश्वर दे घर दे ने तां अपने बच्चों लिए बीज रहे हैं तुहाडी पीढ़ियां दी पीढ़ियां वढ़नगियां तुहानूं समझ होनी चाहीदी आ जे आप सौदा कढ़ते हैं वह भी परमेश्वर का हिस्सा क्योंकि उन्हें तुम्हें पहलों कहा गलातियां छे की छे च की लिखा आंदा जिहड़ा बाणी की शिक्षा लेंदा उस सिखाउण वाले नूं सारे पदार्थों में की करे लिखा कि नहीं लिखा किन्ने लोगों नूं पता सारे पदार्थ कला दान नहीं सारे पदार्थ कला आटा नहीं सारे पदार्थों में कली बैबल नहीं तुम सारे रोल करने की है किन्नी बार बोलिया पर आप की करते हैं हमने दस मिनट कई घटिया ध्यान भी दो तो उपर चलिया तो बंद नहीं कर दिया उन्होंने तो बंद वाले बन्ने ध्यान आ तो मेरा सिखाने वाले बन्ने ध्यान आमीन हाँ जी तद सारा यहूदा अन्न दा अते नवी मैं अते तेल दा दसवंद खजानिया विच लियाए लैके आए कि नहीं आए किन्ने लोगों ने समझाई लिखा सारे यहूदा अन्न अते नवी मैं अते तेल दा दसवंद कित्थे लैके आए खजानिया विच सारे बोलो हुण रागी ढाडी भी टिकणगे कि नहीं उत्थे टिकणगे कि नहीं एक बंदा पास्टर आ उहनूं विचारे नूं कुछ मिले भी ना कि उह बच्चों का मूँह तां बन दूगा बोलो जो भी तुसी कुछ लिया सब तो पहला तुसी अपने परमेश्वर का कढ़ना भावें ताडे चौल आ भावें ताडी कणक आ भावें ताडा सौदा वा हर बंदे ने बाइबल च लिखा अपनी औकात के अनुसार खुदा के घर में लैके की करो किन्ने लोगों को पता फस्ट करंथियां जो 16 की पहली आयत पढ़ते हैं बाइबल च लिखा कि तुसी
शब्द दिन हरेक आपो अपनी कात के अनुसार यहावा दे घर लैके की करो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इतने बच्चे शरारत कर रहे, बच्चों का ध्यान दो क्योंकि मेरे वास्ते बड़ा इंपोर्टेंट जे, तो तुहाडे वास्ते तो भावें हाँ समझ आ गई पर मेरे लिए बहुत वड्डी गल जी, क्योंकि सीरीयस लोग ही ब्लैस होंगे जिन्होंने ध्यान देना ब्लैस नहीं होना। बाकी आवगे जाएंगे फिर सुन के लीड़े झाड़नगे, चंगा जी जैमसी की जे चाह का कप है पाया तो नहीं तो चंगा फिर जैमसी की चाह का कप कह देना बनना उद्दी की भी पै लौड़ है। दो दिन पहले मैं चलो कि भैन का ना नहीं लेंदा, जिन्नी बार भी उन्हें आना प्रेयर को कभी उन्हें दस हाथ नहीं बताया। मैं सोचन डा मैं यार ये भैन की करती है, मेरे मन च आया बड़े संत बड़ा ये चीज़ का विचार कर रहे यार तुम दस रुपए का कप का चाह भी पी जाते जी, तुम पता परमेश्वर हूँ वेखो ये जो खाना पीना सारे वास्ते नहीं, सिर्फ कि जोड़े उस जगह पर मेहनत करते हैं। हूँ मान लो भैन राणी बेचारी कि मेहनत करती है, वो सवेर तो लैके शाम तक कभी पोचे ला कभी झाड़ू मार कभी कुछ कर, वो खा सकती वो परमेश्वर के घर च की कर रही है, ठीक है ना। तो जे मान लो आप उत्ते कोई भांडा भी नहीं मांजते उदा जाने चाह की भी चंगा भैन जी जैमसी की आ दवा कर दो, चंगा जी जैमसी कोई हाथ में नहीं बताया कि यह जी दवा लगेगी कि इनू परमेश्वर कहता तेरे को कुछ ना कुछ होना की है कि उदा ही खाली है। तो मैं तुम्हें कही यार मत्ती 8 की जो तुम पढ़ लियो उ परमेश्वर ने जो एक कौड़ी शुद्ध किया प्रभु ने किया क्या कि जा जाजकानू की कर विखा, तो जड़िया भेटा मूसा के समय ठहराइया उन्होंने जाके चढ़ा की है। यदा मतलब जो ही चंग्याई लैनी है वह भी भेट ही खुदा दे घर की करनी है। खुल रही अखा कि नहीं क्या बंद हो रही पहले तो भी, बाकी तो कोई हाथ नहीं खड़ा करता मेरे सन इन्हें असर नहीं है, जो असर है तो हाथ खड़े करो। अज की शिक्षा पाई आ नहेमिया तो की सीख्या कि तेल मैदे की भेट तो पीन की भेट परमेश्वर के घर च लैके गई है। तो जेडे साजी आ रागी आ साउंड खराब हों कैमरा खराब हों तरिया फट दियाँ ये मेरे को जमा होएगा तो मैं अगे कम वधा की आ नहीं तो फिर धनवाद जहावा दा ठुमके तो ठुमका फिर ठुमका ही गला मैं ठुमके की नहीं लोड़ पाई ठुमका ना मारो बस अपने रोल नू मेनटेन करो जिते जगह की गराई वो दो जिते कोई भी चर्च में मेंटरशिप लगती सारे दो मेरा कल चर्च ता तु ही चर्च जे मेरा चर्च थोड़ी है चर्च कि यसू का तुम कि जे कलीसिया कि देना किन्ने यसू ने हाँ तुम देना हर चीज़ अपने घर बंदगी भी करो मेरे भैन भराओ वेखो तुम मेरी गल बैबल द्वारा मान ली तो समझ लो तुम यसू की गल की कर ली तो जिते मेरी नहीं मनी तो फिर तुम ओरी भी आमीन। आओ अपने मजमून में जल्दी जल्दी आप समाप्ति करेंगे लास्ट ले हैंड होगी ले हैंड करनी है जब सब को भजन सहता उदा 23 अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया किन्ने लोगों को अभिषेक आ करो हाथ खड़े जिन्हें को अभिषेक आगा अभिषेक अभिषेक कहते कि दसो मैं तुहाडे लिए कैद पढ़ागा जबूर 23 जिदा टॉपिक है यहावा मेरा अजाली है मैनू थोड़ नहीं होएगी। हिंदी च लिखा यहावा मेरा चरवाहा मुझे गटी लिखा यहावा मेरा चरवाहा मुझे गटी नहीं। हुण जिन्हां दा ते अजाली प्रभु आ तो उन्होंने किसी गल की भी घाट नहीं होएगी, ना बिजनेस की घाट होएगी तो ना उन्होंने बेबी की घाट होएगी तो ना उन्होंने जायदाद की घाट की है क्योंकि किन्हां दा रखवाला है। यहावा मेरा चरवाहा मुझे गटी किन्ने लोगों ने किन्या का अजाली है प्रभु सारे का तो जो मैं कली कली बोझनी हाए है नी हाए है कर दे हाए कितों दईए हाए अपना ही महा चलन दिया ये मैनू प्रिच करना पैना मेरे भैन भ्रो मैं कला डिलीवरेंस से प्रिच करी जावा प्रभु ने लंगड़े चंगे किते वो तो तुम सारे पता खुद परमेश्वर ने आख्या जेड़ा केसर का केसर दो जेड़ा यसू का यसू न की करो क्यों क्या ने प्रभु नूं भुलेखा लग गया लगता प्रभु नूं भुलेखा दिन लग गया। परमेश्वर ने आख्या पत्रस तू अपने और मेरे वास्ते की कर कुंडी लै जिहड़ी पहली मछली आएगी उहदे मुँह चों सिक्का कढ ते मेरे ते अपने बदले की कर। परमेश्वर प्रभु यीशु ने एक सवाल पाया पत्रस नूं आंदा पत्रस जिहड़ा कर आ जां चुंगी आ ये अपने को लैनी चाहिए जां पराया तो पत्रस ने की आख्या भला पता तुहानूं कुछ नहीं पता सारा टवा डोला बस इतना कुछ नहीं पता
तुहानू तो कोई भी उंगल ना ला के लै जू चर्च से क्यों लोग भजे तो पता ही नहीं क्यों भजे वचन ही नहीं है जितेंद्र मैं कटता ना वचन उन्होंने भावें कुटेगा तो भी इतों नहीं लेगा उन्हें पता ही नहीं ना थां थां भजना हूँ परमेश्वर ने अपना पत्रिस नू किया क्या पत्रिस सारे छड़ के चल गए तुम्हें की कर प्रभु ने की पत्रिस ने की बोलिया प्रभु जीवन दल्ला देख दिखो आ तो जेड़े छड़ के भज के उन्होंने तो यह भी नहीं पता जीवन दल्ला कड़ी होंगे अज समझ आ रही जे ताड़ी इधर जगह तो मेरी इधर जगह क्यों आ इहो ताड़े विच ते मेरे च फर्क जे एक जाजक प्रभु क्यों अलग तुहानू एक अगुआ कदली दिंदा क्यों तुहानू सिद्ध करके ते प्रभु दे सामने पेश किए क्यों दिंदा अगुआ ज्योति पांच मिनट इतने गल चार गल्लां वचन दी सुना दो जो मैं तुहानू मन जूंगा पहले तो ताड़ियां लत्तां थल्लों शुरू हो जाणियां कंबणियां समझ आ रही कि नहीं आ रही परमेश्वर ने आख्या कि पत्रिस अपने और मेरे लिए दे कि आप दूजा ते ठोकर का कारण की करिए ये तो मतलब जेडे भैन भरा से बीज रहे आ सारा कुछ कर रहे वो आशीषित लोग आ तो जेडे भैन भरा मैं पता भी बाइबल च भी लिखा करना भी आ पर फिर भी ध्यान किए नहीं दे रहे तो दूजे लोगों लिए ठोकर का कारण की कर रहे ने बोलो 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 की बन रहे ने ठोकर का कारण इन बाइबल पढ़ लियो कई हूँ कई कई गुस्सा भी लगना यार मैं नहीं दिंदा लगता पास्टर मैनू सुनाई जाता मैं किसी नहीं सुना क्योंकि बाइबल किसी का भी पक्षपात ये वढ़ती पहलों सानू फिर दूजे क्योंकि दो धारी तलवार सुनने वाले के भी उन्ने कन्न तोड़ती है तो सुनाने वाले के भी उन्ने ही सब दे वजदी आ बाइबल च लिखे वचन की है इन्हां चीज़ां समझना मेरे भैन भरा कल तुम आके वर्शिप कर ली हाथ रखाता ले हैंड कराता तू रियल का पता नहीं आ कि मैं इन्हां चीज़ां कवर करके फिर ही टेस्टिमनी तक पहुँचना गवाही अपने आप नहीं बनती तू वर्कआउट करना पैना पहले तो बाइबल समझनी पैनी है कि लिखा लिखा वो मैनू हरे हरे कहां दी जूआं विच बिठाउंदा वो मैनू सुखदायक पानी को लै जांदा वो मेरी जान विच जान पाउंदा धर्म के मार्गों विच अपने नाम के निमित्त मेरी की करदा धर्म का मतलब धर्म किनू कहिंदे आ कोई दसेगा धर्म की फुल फॉर्म की है हाँ जी धर्म की फुल फॉर्म की है धर्म का मीनिंग की है धर्म किनू कहिंदे धर्म का मतलब चंगे काम की कहिंदा दाऊद कहिंदा मेरी जान विच जान पाउंदा ते धर्म धर्म विच चंगे मार्ग विच रस्ते कहिंदा चंगे काम रस्तियां विच मेरी गवाही की है एक बंदा बुरे काम करता वह कहे प्रभु चंगे कामों च मेरी गवाही कितना करेगा जे तुहाडे बुरे काम है तो तुहाडा रिजल्ट भी बुरा जो बीजना वह वढ़ना हुण की कहिंदा दाऊद आंदा मेरी जान विच जान पाउंदा धर्म के मार्गों विच अपने नाम के निमित्त मेरी की करदा धर्म विच चंगे काम ते मार्ग विच रस्ते प्रभु का दास कहिंदा चंगे रस्तों में मेरी गवाही जे तुसी चंगे काम करते खुदा तुहाडी ताईं गवाही करेगा हुण अगे की लिखा आंदा भावें मैं मौत की शांति वादी विच फिरां मैं किसे बदी तो की कहिंदा तुहाडे इर्द गिर्द मौत होएगी तुहाडे इर्द गिर्द किन्नो करोना है ते किन्ना लोग डरदे ही लोग टूटी तो हथ लाउण तो डरदे ही है हालेलुया लोग टूटी ए फड़न तो लोग डरते भी कितने पता नहीं टूटी कटाणु लग गया तो मैं मर गया समझ लो मैं गया की लिखा आंदा भावें मैं मौत की शांति वादी विच फिरां मैं किसे पदी तो नहीं डरांगा तू जो मेरे नाल है तेरी सोटी ते तेरी लाठी ये मैनू तसली की कर दियाँ हुण सोटी लाठी की है किनू पता हाथ खड़ा करो बाकियों क्यों नहीं पता हुणे कोई कर देना कोई वैन पाउणा इत्थे ते वैन पाउण वालियां भैणां दा बल्ले 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 ने फलाणे आया उहनू गाई जाणगे घोड़ियां मैनू बस हो गया भरावा ओए होए होए तेरी सोटी ते तेरी लाठी मैनू की देंदी की आ आ जे सोटी दे किन्ने लोगों ने पता हुण जिहनू इहदा नहीं पता उहनू नहीं पता तसल्ली कदों मिलनी मेरे जीजो मैं बड़ा अमीर बनना जे होर अगे मैं बड़ा अमीर बन जा रहा जे मैं तुहानू दस दिता जे मैं बड़ा तगड़ा बंदा बन जा रहा जे क्योंकि मैनू पता लग गया कि मेरे को कुंडियां केड़ियां वा ते मेरे भैन भरावां नू नहीं जे पता ते इन्हां दा पता नहीं की बनना मैनू पता मैं बनना जे मैं बनना जे मैं प्रोफेसी करदा मैं बनना जे समझ आई जित को परमेश्वर दे खजाने वचना दे बाइबल च लिखा वचना दे नाल किन्ने लोगों ने पता कहावतां 24:4 ज्ञान दे द्वारा तेरिया कोठड़ियां हर प्रकार दे अनमोल पदार्थां नाल भरियां की होणगियां
ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਲੈਕਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਸਾਹ ਮੇਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ 12-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁੱਟਣਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਖਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਜੇ ਹੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਦੂਜੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਆ ਜਾ ਕਰੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆ ਜਾ ਕਰੋ ਭੈਣ ਜੀ। ਦੋ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਦਾਨ ਦਸਵੰਧ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਨਰਸ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜੋਬ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਸਟਾਫ, ਤੇਰਾ ਸਟਾਫ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਆਈ? ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਡੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਫਲੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਗੇ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਸਮਝ ਆਈ ਹੁਣ ਲੱਗੀ? ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਗੋਡੇ ਤੜਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੋਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ? ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜਿਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਤੋਰਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਂਦਾ ਨਾ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਕੀ ਹੈ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਲਓ, ਜੋੜਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ ਜਰਾ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਊ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਉਹ ਢਾਵਿਆਂ ਢੂਵਿਆਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਢਾਵੇਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਣ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੜਬ ਕੁੱਕੜ ਅਤੇ ਖੁੱਡੇ ਦਾ ਵੈਰੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪ ਵੜਨਾ ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੜਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਜੋ ਬਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਆਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਦੀ 'ਚ ਫਿਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜੋ ਵੀ ਬਦੀ ਆ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਊਦ? ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇਰੀ ਸੋਟੀ 'ਤੇ